अरे भैया, पेट भर के खाया नहीं तो पैसे कैसे? हाँ मोदी जी, फिर क्या हुआ? फिर इधर जाट भागा जा रहा था तो रास्ते में एक तेली मिला। वह अपने ऊंट पर तेल के पीपे ले जा रहा था बाजार में। फिर जाट ने तेली से पूछा कि भैया पीपे में क्या है? तो तेली डर गया कि कोई चोर लुटेरा ना हो। तो तेली ने कहा कि भैया कुछ नहीं, इन पीपों में तो जहर है। जहर का नाम सुनते ही जाट ने एक लठ उठाया, वो सारे पीपों को फोड़ फाड़ दिया और आगे भागने लगा। फिर तेली भी उसके पीछे भागने लगा। मोदी जी, तेली को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अरे खाना खा तेल के पीपे फोड़वा फाड़वा लिए। अच्छा हुआ तेल के पीपे ही फोड़े, तेली का सर नहीं फोड़ा। हाँ मोदी जी, फिर क्या हुआ? फिर आगे भैया जाट भागता हुआ जा रहा था। भागते भागते उसको एक औरत दिखी। उस औरत के पास जाट जैसे ही पहुंचा तो उस औरत ने कहा कि भैया मेरे बेटे के कान में फूंक देना। जाट ने कहा कि नहीं, मेरे को जल्दी है और मेरे को ये फूका फाकी नहीं आती। लेकिन औरत जिद करने लगी तो जाट ने बच्चे के दोनों कानों को सरौती से काट लिया और फूंक मारता हुआ भागने लगा। इधर वो औरत भी जाट के पीछे भागने लगी। फिर आगे जाके जाट को एक पुलिस वाला दिखा। पुलिस वाले ने जाट से कहा कि भैया मुझे थाना जल्दी पहुंचना है, तो कोई तरकीब बताओ, कोई उपाय बताओ। तो जाट ने कहा कि साहब मुझे कोई भी तरकीब वगैरह नहीं आती, मुझे जाने दो, मुझे बहुत जल्दी है। पर पुलिस वाला भी जिद करने लगा। तो जाट ने अपने पैरों में से जूती निकाली और पुलिस वाले के सिर पर खट खट 5-6 जूती दे मारी और फिर वह जाट थाने की तरफ भागने लगा। मोदी जी, जाट को तो घर की ओर भागना चाहिए, कहाँ थाने की ओर जा रहा था? अरे भैया, घर भागेगा तो पीछे जो लोग आ रहे हैं सब मिलकर जाट को धो डालेंगे, मारेंगे 100 और गिनेंगे एक। अच्छा हुआ जो थाने की ओर जा रहा है। हाँ मोदी जी, फिर क्या हुआ? फिर जाट भागते भागते भैया थाने आ पहुंचा। फिर एक एक करके हलवाई, तेली, औरत और पुलिस वाला भी वहां आ पहुंचे। फिर थानेदार साहब ने जाट से पूछा कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है?